हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीतीश और आप देख रहे हैं फोर सी यानी कि एजुकेशन फॉर सिविल। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा, अगर आप अपने घर बनाने की सोच रहे हो तो घर बनाने से पहले हमें क्या चीज का जरूरत होता है, सबसे मेन चीज क्या होता है, तो जमीन, लैंड, एरिया। तो हम लोग को कितना एरिया मिनिमम रिक्वायर्ड होता है फॉर अ हाउस। अगर आप सिंगल फैमिली हो, एक हस्बैंड वाइफ एक बच्चे हैं, तो आपको एक छोटा सा घर चाहिए। तो वो ऐसे घर बनाने के लिए हमें कितना एरिया का जरूरत होता है एक छोटा सा घर बनाने के लिए, आज मैं उसके मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ हाउस मैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमें एक घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरत होता है मैं वो बताता हूं। पहला हमें जो जरूरत होता है, 1 बेडरूम। एक बेडरूम का हमें आवश्यकता होता है। नंबर 2, 1 किचन। नंबर 3, 1 हॉल। एक हॉल आपको जरूरत होगा ही। नंबर 4, 1 वॉशरूम। वॉशरूम नंबर 5, 1 स्टेयरकेस। दोस्तों, ये हमारा मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक घर बनाने के लिए। तो इसमें हमें कितना एरिया लगने वाला है हर एक चीज के लिए वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर मैं बेडरूम का बात करूं, यहाँ पे एरिया जो होगा, अगर मैं बेडरूम का बात करूं तो 10 फीट बाई 12 फीट। ठीक है दोस्तों, 10 बाई 12 का आप एक बेडरूम बना लो। किचन का अगर मैं बात करूंगा तो 8 फीट बाई 13 फीट। अगर मैं हॉल का बात करूंगा तो ये 6 फीट बाई 10 फीट। वॉशरूम का बात करूंगा अगर मैं 4 फीट बाई 6 फीट। अगर एक स्टेयर केस आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा ही, तो स्टेयर केस का अगर मैं बात करूं तो ये आता है 74 स्क्वायर फीट। क्योंकि सभी स्क्वायर फीट में है तो ये मिनिमम एरिया हमें रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप एक छोटा सा घर बनाने की सोच रहे हो तो आपको ये मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड होगा ही। अब मैं इसको बता दूं ये कितना एरिया लगेगा। ये हो गया 120 स्क्वायर फीट, ये हो गया 104 स्क्वायर फीट, ये हो गया 60 स्क्वायर फीट, ये हो गया 24 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों, जो टोटल अगर एरिया मैं बात करूं, अगर टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर अ हाउस कितना एरिया हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं सभी वो ऐड कर दूंगा, 3382 स्क्वायर फीट। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो टोटल एरिया होगा, टोटल एरिया फॉर अ स्मॉल हाउस रिक्वायर्ड इज 382 स्क्वायर फीट। दोस्तों, अभी आप जिस जगह पे भी रहते हो वहां का क्या एरिया का, जो भी लैंड का क्या, किस रेशियो में वहां पे बिकता है,
अवेलेबल है आपके अगर आसपास लैंड किस हिसाब से स्क्वायर फीट में है, मीटर में है, डिसमिल में है, कट्ठा में है, बीघा में है, ये तो आप जानते हो। लेकिन मैं अभी जहां पे रहता हूँ वहां डिसमिल में होता है। तो एक डिसमिल इक्वल टू होता है, वन डिसमिल इक्वल टू होता है, वन डिसमिल इक्वल टू होता है 435.6 स्क्वायर फीट। यानी कि अगर हमारे पास एक डिसमिल भी जमीन भी अगर अवेलेबल है तो उसमें भी हम अपना एक घर आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के वीडियो में हमेशा लेकर आता रहता हूं अपने इस चैनल पे। अगर आप मेरी वीडियो आपको मेरी जरा सी पसंद आए तो कृपया कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों साथ जरूर शेयर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।